नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे एसजेक्स निफ्टी की और आपको बताएंगे कि एसजेक्स निफ्टी का चार्ट देख के आप किस तरीके से निफ्टी में अपना ट्रेड बना सकते हैं। आज के दिन हमने जब देखा कि निफ्टी के चार्ट में कोई भी पैटर्न नहीं बना था तो हमने क्या करा, वहां पे रेफरेंस के तौर पे एसजेक्स निफ्टी का चार्ट देखा और उस चार्ट में जो भी पैटर्न बना था उसके अकॉर्डिंगली हमने निफ्टी 50 में ट्रेड बनाया, यानी कि इंडियन निफ्टी में हमने ट्रेड बनाया था। तो आज मैं दोस्तों एनालिसिस करूंगा पूरी तरीके से एसजेक्स निफ्टी की और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एसजेक्स निफ्टी का चार्ट देखकर आप निफ्टी में ट्रेड बना सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा अपने अकाउंट पे, अकाउंट स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूँ कि आज का मेरा बेसिकली लॉस क्या था, कितने का मैंने आप अपना लॉस बुक करा था। तो मैं अपनी जो पोजीशन है ऑल पोजीशंस पे जाता हूँ और वहाँ पे आपको रिफ्रेश करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा जो आज का लॉस है जो मैंने बुक करा है वो है 41,757 रुपए का। तो टोटल अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो टोटल मेरा जो लॉस बुक हो रहा था 55,000 के आसपास का मेरा लॉस बुक हो रहा था, सेटलमेंट के बाद वो 62,000 रुपए दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज का लॉस मेरा 55,000 था, इससे कल के दिन में मेरा लॉस था वो 1,00,000 रुपए के आसपास का था और उससे पहले 30,000 का प्रॉफिट, 20,000 का लॉस, इस तरीके से ये वीक जो है मेरा अच्छा नहीं चला। बट फिर भी अगर आप देखेंगे कि आज का 55,000 का लॉस, कल 1,00,000 का लॉस, उससे पहले 15,000 का लॉस, उससे पहले 10,000 का लॉस, उससे पहले 48,000 का प्रॉफिट, तो इस तरीके से ये जो वीक है, वैसे तो ये वीक काफी वीक ही रहा है बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दिखेगा दोस्तों कि ये मेरा जो कल का लॉस था 88,000 का लॉस था, उससे पहले 15,000 का लॉस था, 46,000 का प्रॉफिट था। ये मेरा इस वीक में दोस्तों मेरा रिजल्ट रहा, अच्छा नहीं था, बिल्कुल बेकार वीक रहा दोस्तों मेरा ये। बट अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो मेरा एक दिन का प्रॉफिट था वो 2,43,000 का था, 1,32,000, 21,000, 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे। और उससे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट, और अगर मैं पुरानी वीडियोस पे लेके जाऊंगा अपनी तो वहां पे आप देखेंगे कि 2,00,000-2,50,000 रुपए के हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है, 1,00,000 का प्रॉफिट, 3,46,000 का प्रॉफिट, 3,32,000 का प्रॉफिट, 77,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 46,000 का लॉस बुक करा था, यहाँ पे 1,00,000 का प्रॉफिट, उससे पहले दोस्तों 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हमने लिया था। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं वो 50,000-1,00,000 रुपए के नीचे ही हमारे लॉसेस हो रहे हैं और हमारे जो प्रॉफिट है वो 2,00,000-2,50,000 रुपए के आसपास हो रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कभी भी आपका जो नुकसान होता है, आपका देखो दिन है, दिन कभी किसी का भी अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कई बार पूरा महीना का महीना हमारा खराब होता है, कई बार पूरा वीक खराब होता है, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आपका जब अगर बैड डेज है तो बैड डेज में अपना जो नुकसान है वो काफी कम होना चाहिए और जब आपके अच्छे दिन है तो आपको जो प्रॉफिट है उसको पूरी तरीके से राइड करना है। जैसे हमने देखा कि हमारे जो अच्छे दिन थे, जो हमारे लास्ट वीक और उससे पहले जो अगर मैं 15 दिन की बात करूंगा तो वहां पे हमारा जो प्रॉफिट बना था 15,00,000 के आसपास का प्रॉफिट बन गया था 2 हफ्ते के अंदर, और इस हफ्ते में हमारा जो लॉस है अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो 2,50,000 रुपए का लॉस होगा। तो यहाँ पे 15 दिन में हमने कमाए, यानी कि 10 डेज में हमने कमाए 15,00,000 रुपए और 5 दिन में हमारा लॉस हुआ 2,00,000 रुपए के आसपास का। तो यहाँ पे आप दोस्तों रेशियो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक अगर हमारा अपना होगा, यानी कि हमारे हिसाब से चलेगा, तो वहां पे फिर से हम दोस्तों वहां पे लाखों रुपए की झड़ी लगा देंगे प्रॉफिट्स की। तो यहाँ पे अगर आपके बुरे दिन है कोई बात नहीं, अगर आपके एसएल कट रहे हैं तो लॉस कम होना चाहिए, जब आपका दिन है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड बना के प्रॉफिट को राइट कर सकते हैं। तो इस चीज को समझना है क्योंकि काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई नहीं, नुकसान प्रॉफिट चलता रहता है, इस गेम का पार्ट है। अगर स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होता ना तो सब लोग काम धंधा छोड़ के स्टॉक मार्केट में आ जाते। स्टॉक मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेंटली रूप से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे लॉस को भी आपको हैंडल करना पड़ता है। प्रॉफिट तो हर कोई हैंडल कर लेगा, प्रॉफिट में तो हर कोई उछलेगा, बट जब लॉस होता है ना तो बहुत जल्दी लोग क्या होते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। जो लोग लॉस को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे ना वही स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे, क्योंकि हर दिन आपके नहीं होंगे, इस चीज को समझ लीजिए।
और इस चीज को समझ के ही दोस्तों ट्रेड करिए। तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिकना है लंबे टाइम के लिए तो दोस्तों लॉस को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि लॉस को एक्सेप्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस आएगा बैड एक्सपीरियंस, और बैड एक्सपीरियंस हमेशा फेलियर से आएगा, तो फेल होना काफी ज्यादा जरूरी है। जो फेल होगा वो ही पास होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट पे जाता हूँ और वहां पे मैं आपको आगे की एनालिसिस सिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो लॉस है, मैंने आपको बताया कि जो 55,000 के आसपास का है। तो अभी जो मेरी पोजिशन है, वैसे मैंने सारी पोजिशन काट दी है, तो डिलीवरी की पोजिशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें होल्ड करी है। तो यहाँ पे मेरा निफ्टी होल्ड है और मेरा बैंक निफ्टी होल्ड है। अब आप बोलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी आपने क्यों होल्ड कर लिया, क्या रीजन था आपका जो आपने निफ्टी बैंक निफ्टी को होल्ड कर लिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैं पहले एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि वैसे तो निफ्टी में कोई पैटर्न कोई खास बन नहीं रहा था, तो हमने क्या करा, एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे जब हमने निफ्टी का चार्ट लगाया एसजीएक्स निफ्टी का, तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पैटर्न देखने को मिला है जिसको बोलते हैं हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न इन एसजीएक्स निफ्टी। तो यहाँ पे जो इसमें जो सेलिंग बन रही थी वो बन रही थी 14,830 रुपए के नीचे, ठीक है। अब इसका रेट चला 874 के आसपास और इसका जो एसएल बनता है वो बनता है 14,920 रुपए के आसपास का। तो हमने क्या करा, हमने देखा भाई निफ्टी में तो कोई पैटर्न बना नहीं, एसजीएक्स निफ्टी में पैटर्न बना है, तो हमने इसके अकॉर्डिंगली क्या करा, वहां पे अपनी पोजीशन क्या करी थी, शॉर्ट में बना दी थी। तो वैसे इसका जो टारगेट है अभी आया नहीं है, बट हमने क्या करा, ये पोजीशन हमने कैरी कर ली। अब कैरी करी है निफ्टी में, एसजीएक्स निफ्टी में पोजीशंस का रीजन क्या है, फिर यहां से मैं क्या करता हूं निफ्टी के चार्ट पे जाता हूं और निफ्टी के चार्ट पे भी आपको समझाता हूँ। तो निफ्टी के चार्ट पे अगर मैं यहाँ पे जाता, तो यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ पे भी हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाई दिया, बट पहले जो कंफर्मेशन आई थी सेलिंग की वो एसजीएक्स निफ्टी में आई थी। हाँ, हालांकि निफ्टी बाद में वहां से नीचे आई नहीं, वो एक अलग अलग चीज है, ठीक है, बट यहाँ पे मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला, इवनिंग स्टार मिला, तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या करी, शॉर्ट में पहले ही एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से बना ली थी। तो उसके बाद दोस्तों इसमें जो लो बना है, अगर मैं बात करूं वहां पे बन गया था 14,767 का, और हमने पोजीशन जो शॉर्ट करी थी इसमें 14,820 के आसपास करी थी। वैसे हमने पुटे खरीदी थी इसकी 348 के आसपास, और उस टाइम उसका जो हाई बन गया था वो बन गया था 387 के आसपास का हाई बन गया था। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी आई और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही बंद हुआ, बट वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही बंद हुआ है। तो यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट देख के दोस्तों आप निफ्टी में अपना ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ एसजीएक्स निफ्टी की। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेली का चार्ट यहाँ पे लगा देते हैं और मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ मिनिमाइज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से एक तेजी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो वहां से भी हम अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, नहीं तो दोस्तों अगर ये 14,950 के ऊपर सस्टेन करता है एसजीएक्स निफ्टी, तो वहां से हम अपनी पोजीशन फिर से बाइंग करके अपनी पुटे जो है वो कवर करके और यहाँ से अपनी पोजीशन बाय कर सकते हैं। एक चीज और मैं कह देना चाहता हूँ कि जब हमने निफ्टी में पोजीशन बनाई थी तो हमने हाई का एसएल इसमें लिया था। जब भी आप निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनाते हैं अपने, आप कॉल ऑप्शन बाय करके चलते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, पर नुकसान उसका होता है जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, पूरे महीने के लिए होल्ड कर लेता है। जब मैंने एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट देख के निफ्टी में ट्रेड बनाया था तो हमने क्या करा था, 15,000 वाली पुटे खरीदी थी। 15,000 वाली पुटों का जो रेट चल रहा था उस वक्त पे, मैं लिख देता हूँ 15,000 वाली पुट का जो रेट चल रहा था निफ्टी में वो चल रहा था 345 के आसपास। हमने यहाँ पे बाय कर दिया था और हमने देखा कि पूरे दिन का इसका लो क्या है, वो था 320 के आसपास का, तो हमने 320 रुपए का एसएल यहाँ पे लगा दिया था। तो यहाँ से 25 पॉइंट्स का मेरा क्या था, यहाँ पे एसएल था, ठीक है। अब यहाँ पे 25 पॉइंट का एसएल था और वहां से ये बढ़ के कितना हो गया था, 385 हो गया था। मगर हुआ क्या कि वापिस से मार्केट, वहां से मार्केट में तेजी आई और ये क्या हुआ, ये जो पुट थी वो 340 रुपए के आसपास बंद हो गई। तो यहाँ पे अब आपको ये सोचना है कि यार मेरे को एक टाइम पे 30-40,000 का प्रॉफिट हो रहा था, बट क्या हुआ, वो कॉस्ट टू कॉस्ट बंद हो गया। तो या फिर आपको पोजीशन होल्ड करनी, तो यहाँ पे ना आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि जब भी आप ऐसी कोई पोजीशन बनाए छोटे से एसएल के साथ, तो उसको राइट करने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ 385 के बाद ये रिवर्स हो गया,
बट हो सकता था कि ये 450 रुपए तक भी चले जाता, और जब वहां पे 450 रुपए तक अगर चले जाता तो वहां पे हमारा जो प्रॉफिट है दोस्तों वो कितना होता, 2.5 से 3 लाख रुपए का हो जाता। जो भी मैंने क्वांटिटी खरीदी थी उसके हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए का मेरा वहां प्रॉफिट हो जाता, और यहाँ पे लॉस कितना होता, 20 से 25 हजार रुपए के आसपास का। तो अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है जिसमें आपको 10 हजार रुपए का लॉस होता है, 10K का लॉस होता है, और उस पोजीशन में अगर आप राइड करते हैं वहां पे आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो आप क्या करना पसंद करोगे? आप यही करना पसंद करोगे ना कि भाई मैं 1 लाख रुपए के लिए जाऊंगा, 10 हजार रुपए देना मेरे को मंजूर है। बट उसके लिए आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग आनी पड़ेगी, आनी चाहिए। निफ्टी में जब भी आप काम करते हैं तो आप एसजी निफ्टी का भी चार्ट जरूर देखिए, ये चार्ट देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी आपका हो जाता है। और यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पैटर्न बना है, जो पैटर्न बना था एसजी निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे मैं आपको बता दें, देखो अभी मैं जो भी ट्रेड बता रहा हूँ वो मैं खुद के ट्रेड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज आपसे छुपाता नहीं, जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप ट्रेडर से बात कर रहे हो, ट्रेडर की वीडियो देख रहे हो, जो ट्रेडर खुद ट्रेड करता है, जिसको लॉस प्रॉफिट का पता है, लॉस होने पे क्या होता है, किस तरीके से उसे कवर किया जाता है, प्रॉफिट होने पे उसे किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको एसजी निफ्टी का, और यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि जब ये एसएल जो है, अगर मैं बात करूँ, ये है कितना, 915 रुपए के आसपास का एसएल है, 14915 के आसपास का एसएल है। जब तक ये एसएल ब्रेक नहीं होता, जब तक ये एसएल ब्रेक नहीं होता, तब तक आप अपनी पोजीशन यहाँ पे सेलिंग में रख सकते हैं। ठीक है, आज मार्केट बंद हो गया, बट वहां पे मैंने कहीं ना कहीं पोजीशन कैरी क्यों करी थी, इसका रीजन एक तो ये भी था, और दूसरा रीजन मेरे को अंदर से पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ऐसा ना लगे, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सेंटर भी लॉकडाउन लगा सकता है। यहाँ पे सेंटिमेंट की बात नहीं कर रहा, ट्रेड मेरा टेक्निकली था, बट थोड़ा सेंटिमेंट में मुझे थोड़े बेरिश लग रहे हैं मार्केट के। एक तो कहना चाहता हूँ इकोनॉमिक वाटरफॉल है, कभी मार्केट कंसोलिडेट है, कभी भी क्रैश हो सकता है। दूसरा अभी जो है इकोनॉमी काफी, मतलब ये मत कहना आपकी भैया आपने पोजीशन शॉर्ट बना रखी है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भैया इकोनॉमी की कंडीशन भी बड़ी खराब है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटर कहीं लॉकडाउन लगा सकता है, मुझे लग रहा है मोदी जी आज या कल में आएंगे और टीवी पे आके सीधा बोल देंगे भैया यहाँ पे अब लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं है कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ट्रेड बनाया था। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि केसेस जितना बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी मतलब डेथें हो रही हैं, और कुछ जवान लड़कों की भी डेथ हो रही है। पहले क्या था कि जो फर्स्ट फेज आया था इसका, तो उसमें क्या था कि जो बुजुर्ग थे उनको ये काफी हार्म कर रहा था, बट यहाँ पे यंग एज के लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। और दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा, साथ साथ जो मेडिसिन है वो भी 10 हजार की चीज, यानी कि जो 800 रुपए की चीज है वो 20-20 हजार में मिल रही है। तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, और लॉकडाउन लगना भी चाहिए, जिसका मार्केट में काफी बैड इंपैक्ट पड़ेगा। उस वजह से भी मैंने क्या करा कि पुटे मैंने कैरी कर ली। तो अगर मैं बात करूँ फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, मुझे मार्केट थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट फिर भी मेरे पास मेरा एसएल है। ऐसा नहीं है कि भैया वीक लग रहा है तो पूरे दिन मैं पूरे महीने के लिए पुटे लेके बैठ जाऊँ कि कभी ना कभी मार्केट गिरेगा और पैसा मुझे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा जो एसएल है वो निफ्टी में कुछ रहेगा 14870 रुपये के आसपास का। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है और मेरा एसएल कट जाता है तो मैं वहाँ से एग्जिट कर लूँगा, और अगर मार्केट मेरे फेवर में ओपन होता है तो वहाँ पे मैं एक अलग स्ट्रेटजी का यूज़ करूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा वहाँ पे एसएल को अपने ट्रेल करूँगा। तो आपको इस तरीके से एनालिसिस सीखना पड़ेगा। फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों कि कई बार दिन आपके नहीं होते, तो जब आपके दिन नहीं होते ना तो उसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बैड फेजेस हैं, नुकसान हो रहे हैं, नुकसान होने चाहिए, नुकसान इस गेम का पार्ट है। जब तक नुकसान नहीं होंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। तो नुकसान होगा बट वो कम होना चाहिए, और जब आपका प्रॉफिट होगा तो वो बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए दोस्तों, तभी आपकी जीत होगी। जो आदमी होता है ना, देखो ये आप यहाँ पे लाइफ में, और जब आप यहाँ पे, और जब आप लाइफ में किसी भी स्टेज पे डाउन आ जाते हैं, और जब डाउन आ जाते हैं और वापस से आप रिकवरी करके वहां तक जाते हैं और उस लेवल को क्रॉस कर देते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ तक नहीं रहते, आप काफी ऊपर तक जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया और उसने क्या करा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, तो जितना आप नीचे गिरे थे उतना ही आप ऊपर भी बढ़ोगे। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है, इसमें मैंने टेक्निकल थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो इसको समझना काफी जरूरी है। बट उसके लिए आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग आनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट है यहाँ पे www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 8000 रुपए, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिगेट थ्योरी
ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और कहना चाहूँगा कि वेबसाइट में ये जो कोर्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो कॉन्टेंट और क्वालिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अल्टीमेट है। और फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें आपको हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा। पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे हम डेली बेसिस पे हमें जो भी स्टॉक में कोई भी पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, जिससे आपकी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग हो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा हर संडे वेबिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स करते हैं हम। फ्री नहीं होता, बेसिकली कोर्स के स्टूडेंट को हम वेबिनार देते हैं, जिसमें आप लाइव मार्केट में यानी कि लाइव आके आप अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं संडे वेबिनार कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पर मैं लाइव मार्केट में भी वेबिनार्स करूँगा जो कि मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो कोर्स का कंटेंट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और सीखने को आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। और अगर आपने कोर्स कर लिया और 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस कर ली तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% की हो जाएगी। हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, चाहे तो आप ऑप्शन का कोर्स भी ले सकते हैं और टेक्निकल और ऑप्शन के जो कॉम्बो है वो भी मार्केट में यानी कि वेबसाइट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कह देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं वो होते हैं चॉइस ब्रोकिंग और एंजल ब्रोकिंग के साथ। आप चाहे इन दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंजल जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है और चॉइस जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर है। दोनों की सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। और कहने देना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, जो मैं वेबिनार की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको भी दूंगा लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।